विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के पद के प्रथम दावेदार राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए और कैम्ब्रिज में उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में जो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के नागरिक के तौर पर सर्वप्रथम और उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक पत्रकार के तौर पर यह भाषण उनका और उस भाषण में जो आतंकवादियों को लेकर राहुल गांधी ने कहा है इसको लेकर मैं भी असमंजस में पड़ गया हूं। मैं भी हैरान हो गया हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता एक पूर्व अध्यक्ष आने वाले कल में प्रधानमंत्री के पद का सबसे बड़ा दावेदार वो दावा कर रहा है जो दावा कश्मीर घाटी का कोई आम नागरिक भी नहीं करेगा, जो दावा कश्मीर घाटी में काम करने वाले पत्रकार नहीं करेंगे और उनकी पार्टी के अपने नेता भी यह दावा कभी नहीं करेंगे, लेकिन यह दावा राहुल गांधी ने किया है। और राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण देते वक्त ये बोल गए, उनने कहा भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब वो घाटी में गए तो घाटी को लेकर उनके मन में और उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें डाली गई थी। उन्होंने कहा कि थ्रेट्स थी, धमकियां थी, लेकिन वो चलते गए और फिर कहा कि एक आदमी उनके करीब आया जो फौज पुलिस और पुलिस के लोग जो दाएं बाएं थे, जो सीआरपीएफ के लोग उनके दाएं बाएं थे, उन्होंने कहा कि आप इस आदमी को अपने साथ चलने मत दीजिए। राहुल गांधी ने कहा मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा मिस्टर गांधी क्या आप वाकई हमें यहां सुनने आए हो? मैंने कहा हां। फिर उसने कहा क्या आप वहां पर वो लड़के देख रहे हैं? मैंने कहा हां मैं देख रहा हूं। तो उन्होंने उस शख्स ने राहुल गांधी को कहा वो आतंकवादी हैं, यानी एक आदमी राहुल गांधी की सुरक्षा का घेरा, राहुल गांधी की सुरक्षा के घेरे के बाहर है। सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि आप इसको सुरक्षा घेरे के अंदर आने ना दें, राहुल गांधी उसको सुरक्षा घेरे के अंदर खुद बुलाते हैं। वो आदमी उन्हें कहता है कि वहां पर आप देखिए, उस तरफ आप देख रहे हैं वो युवा है वहां पर, आप उन युवाओं को देखिए। वो कहता है मैंने देख लिए, वो कहते हैं ये आतंकवादी है। यानी ये जो आदमी राहुल गांधी का घेरा तोड़कर राहुल गांधी से मिला, इसे आतंकवादियों की सूचना थी, इसे आतंकवादियों को लेकर इसके पास जानकारी थी, ये जानता था वहां पर आतंकवादी हैं, ये जानता था कि वहां पर आतंकवादी खड़े हैं, ये सारी जानकारी अगर इसके पास थी तो वो हु हल्ला जो कांग्रेस के नेताओं ने उस दिन किया था जब राहुल गांधी की यात्रा नवयुग टनल से काजीगुंड आई थी और उसके बाद राहुल गांधी की पैदल यात्रा को स्थगित करना पड़ा था और उन्हें गाड़ी में बैठना पड़ा था और गाड़ी में बैठकर उसके बाद उन्हें थोड़ी देर यात्रा की थी, वो जो उस दिन आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन पर ही कांग्रेस के प्रवक्ता झांजेब सिरवाल से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार राहुल गांधी को असुरक्षित रख रही है, सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर इतनी नॉन सीरियस है कि जिस समय राहुल गांधी चलना शुरू हुए लोगों की भीड़ ने आकर उनको घेरा और उनका खतरा तीन गुना बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं घाटी का माहौल कैसा है। और उस माहौल के बीच में सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े किए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े किए गए, एडीजीपी श्रीनगर विजय कुमार के काम करने के तरीके के ऊपर सवाल खड़े किए गए, ये सारे सवाल खड़े हुए जब राहुल गांधी का घेरा तोड़कर लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए अंदर आए। और आज कैम्ब्रिज में राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा वो युवा जो आप ऊपर देख रहे हैं वो युवा जानते हैं आप कौन है? उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा ये आतंकवादी है। और उसके बाद राहुल गांधी आगे ये कहते हैं नॉर्मली ये होना चाहिए था कि आतंकवादियों को मुझे मार देना चाहिए था, उस माहौल में वो मुझे मार देने चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं उस आदमी ने कहा वो वहां है और वो आपकी ओर देख रहे हैं। और अगला शब्द आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहा है।
मैं गैर जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है, वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े करता है। थ्री टीयर सुरक्षा व्यवस्था जहां पर थी, यानी एक टीयर में आपको जम्मू कश्मीर पुलिस दिख रही है, उसके बाद सीआरपीएफ है, उसके बाद आर्मी है, उसके बाद जाकर आपका काफिला चल रहा है। इस थ्री टीयर सिक्योरिटी सेटअप में राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि आतंकवादी, उस आदमी ने मुझे कहा वो वहां पर हैं और वो आपकी ओर देख रहे हैं। आई लुक्ड एट देम, ये अंग्रेजी का की शब्दावली का मतलब, मैंने उनकी तरफ देखा एंड थॉट दैट आई वॉज इन ट्रबल, और सोचा कि मैं खतरे में हूं। दे वर गिविंग मी दिस लुक, वो उस तरह से मेरी तरफ देख रहे थे। आई एम सीरियस, मैं बहुत गंभीर हूं। एंड आई गेव द लुक बैक, मैंने उनकी तरफ देखा एंड नथिंग हैपेंड, और कुछ भी नहीं हुआ। वी जस्ट कैरिड ऑन, यानी आतंकी अपना काम करते गए, मैं अपना काम करता गया। वी जस्ट कैरिड ऑन का अंग्रेजी अनुवाद है कि आतंकी अपने रास्ते निकल गए, मैं अपने रास्ते निकल गया। Why I am telling you this? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? Because they actually couldn't do anything. Because they actually did not have the power to do anything, even if they wanted to. मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो कुछ कर नहीं सके, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी कुछ करने की। अगर वो चाहते भी तो वो कुछ नहीं कर पाते। बिकॉज आई केम इन टू दैट एनवायरमेंट टू लिसन, मैं उस माहौल में सुनने के लिए गया था विद नो वायलेंस इन मी एट ऑल। मेरे अंदर किसी भी तरीके से कोई वायलेंस, कोई नफरत कुछ भी नहीं थी। एंड द वास्ट नंबर ऑफ पीपल देयर सॉ दैट, और बहुत सारे लोग जो वहां पर थे उन्होंने ये सब कुछ देखा। दैट टू मी वॉज द इंडिकेटर ऑफ द पावर ऑफ लिसनिंग एंड नॉन वायलेंस, यानी ये मेरे लिए इस बात का इंडिकेटर था, इस बात का संकेतक था कि सुनने की क्षमता और नॉन वायलेंस, यानी शांतिपूर्वक तरीके से चीजों को आगे ले जाने की का तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। राहुल गांधी का यह बयान आया है, इससे राजनीतिक बवाल तो होगा ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि यह बयान देना और उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझको देखा, दूर अगर आप जाहिर सी बात है, इसका मतलब राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे हैं कि आतंकवादी उनके बहुत करीब थे, क्योंकि आमना सामना, नजर से नजर तभी मिलती है जब आप आस बिल्कुल करीब करीब हो। नजर से नजर जो है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले पर नहीं मिलती, वो दूरबीन आपको लगाना पड़ता है तब जाके आपको आदमी दिखेगा। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? वो घाटी में अगर आए और उन्हें आतंकवादी दिखा तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को उसके बारे में सूचित क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने आतंकवादी दिखा तो अपना अपने सुरक्षा घेरे को क्यों नहीं कहा? और ये वही सुरक्षा घेरा है जिस सुरक्षा घेरे से बाहर धक्के देकर पत्रकारों को निकाला गया, जिस सुरक्षा घेरे से बाहर धक्के देकर कांग्रेस के नेताओं को निकाला गया, हालांकि क्योंकि सुरक्षा घेरा था राहुल गांधी का, तो इतने कड़े सुरक्षा घेरे में भी आतंकवादी यहां तक पहुंच गए कि नजरों से राहुल गांधी की नजरें मिली और उसके बाद आतंकवादी अपने काम पर लग गए और राहुल गांधी अपने काम पर लग गए। यह कितना गंभीर स्टेटमेंट है, और कैम्ब्रिज में यह स्टेटमेंट दिया गया है, और कैम्ब्रिज में यूं लगता है राहुल गांधी ने बताने की यह कोशिश की है कि घाटी जब मैं गया तो हर सड़क के कोने कोने पर आतंकी खड़े थे। ये इस तरीके से, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इस तरीके से क्या मिलिटेंट इस तरीके से घूम रहे हैं? क्या आतंकी इस तरीके से घाटी में घूम रहे हैं? क्या इस तरीके से आतंकी जो है घाटी में चल फिर रहे हैं कि वो एक राष्ट्रीय नेता की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं? और उनके समर्थक, उनके साथी राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आते हैं और राहुल गांधी से कहते हैं कि आप उधर देखिए, वो जो युवा आपको नजर आ रहे हैं वो युवा नहीं, आतंकी हैं। क्या कहिएगा, किस तरीके से इस बयान को देखिएगा? ये कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने बयान दिया है, और उन्होंने उसके बाद इस बयान को लेकर यह भी कहा कि
विपक्ष जो कुछ कर रहा है, जो माहौल विपक्ष ने बनाया है, मेरी पूरी कोशिश है कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। और ये भी उन्होंने कहा मीडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहने की बारी आई तो बहुत कुछ था जम्मू कश्मीर को लेकर जो राहुल गांधी कैम्ब्रिज में कह सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को आज भी आतंकियों के साथ जोड़कर देखना, जम्मू कश्मीर को लेकर लोगों के मनों में और लोगों की सोच में आज भी यही कि जब मैं कश्मीर गया तो वहां मुझे आतंकवादी दिखे। क्या कश्मीर में सिर्फ आतंकवादी हैं? क्या मुट्ठी भर अलगाववादी और आतंकवादियों के चलते राष्ट्रीय पार्टी का नेता जो आने वाले कल में खुद को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बता रहा है वो यहां से कैम्ब्रिज जाता है और कैम्ब्रिज में कश्मीर की छवि यह बताता है कि मैं सड़क पर चल रहा था, एक आदमी आया, उसने कहा वो देखो वहां आतंकवादी हैं, और मैंने आतंकियों की आंख में आंख डालकर देखा, उन्होंने मेरी आंख में आंख डालकर देखा, ये सब कुछ वो अपने इस भाषण में कह रहे हैं। मैं गंभीर हूं, आई गिव इट द लुक बैक, मैंने वापस देखा। अब इससे जो, और उन्होंने ये कहा कि कोई आदमी, उस आदमी के मुताबिक जो लोग इन्हें दिखाए गए वो आतंकी हैं। ये राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बयान दिया। इस बयान से राजनीतिक बवाल जरूर होगा, मगर अफसोस इस बात का कि एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता, जो पूर्व पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हो, जिसकी पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही हो, वो कैम्ब्रिज जाए और वहां कश्मीर, जम्मू कश्मीर की छवि यह बताए कि मैं घाटी गया, मुझे वहां आतंकी दिखे, उन्हें आतंकियों को मुझे मारना चाहिए था उस एनवायरमेंट में, उस माहौल में, उन्हें मुझे मारना चाहिए था। किस माहौल में? आप जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे कैसा माहौल था? आपके नेताओं के बयान है कि बहुत बढ़िया माहौल था कश्मीर में। आपके नेताओं के बयान है कि हमने बहुत बढ़िया माहौल में भारत जोड़ो यात्रा की। कौन सा माहौल? जिसमें आप बर्फ के साथ अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ खेल रहे थे। कौन सा माहौल? जिस माहौल को देखकर गुलमर्ग आप वापस जो है गुलमर्ग वापस आ पाए और एक पर्यटक के तौर पर गुलमर्ग में आप रहे, आपने गुलमर्ग की खूबसूरती को भी एंजॉय किया, वहां बर्फ पर भी आपने खेला। तो ये जो बयान उनका आया है इससे राजनीतिक बवाल तो जरूर होगा और इस राजनीतिक बवाल के ऊपर टिप्पणियां भी बहुत भयंकर होंगी, लेकिन इसका नुकसान राष्ट्र लेवल पर कांग्रेस को तो होगा ही होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लेवल पर भी कांग्रेस के लिए यह बयान घातक सिद्ध साबित हो सकता है। क्योंकि यह कहना कि मैंने आतंकवादियों को देखा और आतंकवादियों ने मुझे देखा और वो मुझे मारने के लिए आए थे, और उसके बाद इस शब्दावली का प्रयोग करना, इन दैट एनवायरमेंट, उस माहौल में दे शुड किल मी, तो यह बहुत गंभीर बयान है। देखते हैं अब राजनीतिक टिप्पणियां इसके ऊपर क्या होंगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे।